सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हो मी टॉक्स। तो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीएमजी दिशा का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, आप कुछ भी कोई भी स्टूडेंट आप रजिस्टर नहीं कर सकते। उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आपको क्या करना है, एक ब्राउज़र खोल लेना है, ठीक है। जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो अपने पीएमजी दिशा के लिए या फिर कुछ भी काम के लिए, तो कोई भी एक ब्राउज़र खोलना था। मैं क्या करता हूँ, एक गूगल क्रोम ब्राउज़र जो है वो मैं खोल देता हूँ, ठीक है। गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल देने के बाद आपको क्या करना, पीएमजी दिशा का वेबसाइट में जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से आप डायरेक्टली आ सकते हो पीएमजी दिशा का वेबसाइट में, ठीक है। वेबसाइट में आ जाने के बाद आपका आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन हो जाना है। आपका सेंटर का आईडी पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पे आपको लॉगिन हो जाना है। तो लॉगिन हो जाने के बाद आपको फ्रेंड्स इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो डैशबोर्ड में बहुत सारा सब कुछ पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, कैसे हम लोग क्या क्या करते हैं, फैकल्टी स्टूडेंट्स एंड डैशबोर्ड। तो आपको क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ में आपका प्रोफाइल में ऑप्शन प्रोफाइल में जा सकते हो, या फिर आप बीएलई मैनुअल जो होता है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, फिर अपलोड पंचायत डॉक कुछ भी अगर अपलोड करना है तो वो कर सकते हो। उसके बाद फैकल्टी, फिर स्टूडेंट्स। तो मैं अगर यहाँ पे स्टूडेंट में क्लिक करूँगा तो मुझे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करने के आपको परमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा अभी आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे अपना आईडी को एक्टिव करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर में लिखा हुआ है एनरोल एज ऑफलाइन टीसी, ठीक हो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करना है। एनरोल एज ऑफलाइन टीसी पे लिखना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मेल आईडी डालना है, कोई भी एक मेल आईडी डालना है, जैसे कि आप सीएससी में हो या फिर पीएमजी दिशा में हो, पहले यूज़ ना किया गया हो, एकदम फ्रेश ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो हम यहाँ पे हम एक फ्रेश ईमेल आईडी में डाल देता हूँ, मेरा फ्रेश ईमेल आईडी जो है मैं यूज़ करने वाला हूँ पीएमजी दिशा के लिए, तो वे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स बता रहा हूँ, ये जो अभी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ वो ईमेल आईडी मैंने कहीं पे भी नहीं डाला है, जहाँ चाहे पीएमजी दिशा में हो या फिर आप सीएससी में हो, ठीक है, एकदम फ्रेश डालना है, ठीक है। तो डालने के बाद आपको क्या करना फ्रेंड्स, यहाँ में वेरीफाई योर ईमेल में आपको एक बार क्लिक करना है, ठीक है। वेरीफाई योर ईमेल में क्लिक करना है और उससे मतलब इसमें क्लिक करने के बाद आपको आपका जो ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड किया है उसी ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। जैसे कि देखिए मुझे मेरा वेरिफिकेशन कोड उस ईमेल पे चले गए हैं। तो अभी क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो मेरा मेल है इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं मेरा जो ओटीपी है वो ओटीपी आया है ना। देखिए यहाँ पे मेरा ओटीपी आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी क्या करते हैं, इस ओटीपी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करके हमको वहाँ पे आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एकदम सेम टू सेम करना है और आपको प्रोसेस इजी प्रोसेस है, आप कर सकते हो। उसके लिए आपको डीएम का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, एक्टिवेट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओटीपी डाल देना है और इसमें क्रिएट में क्लिक कर देना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ फाइंड लॉगिन डिटेल्स इन योर ईमेल आईडी। तो अभी जो ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड किया है उस ईमेल आईडी पे आपको फिर से एक नया जो मतलब पीएमजी दिशा का आईडी एंड पासवर्ड, फ्रेश आईडी एंड पासवर्ड जाएंगे और उससे हमको देखिए मैं यहाँ पे लॉगिन में जाऊँगा, मतलब मेरा जो ईमेल है मैं ईमेल में फिर से जाता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं बैक करता हूँ। देखिए मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डीआर डैश, फिर आपका जो सेंटर का नाम, सेंटर का डिटेल्स, सेंटर का एड्रेस यहाँ पे पूरा शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं फ्रेंड्स, अभी जो देखिए यहाँ से मैं इसको करते हूँ लॉगआउट, पहले सेंटर को लॉगआउट कर लेता हूँ। तो सेंटर को लॉगआउट कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको देखिए इसमें पहले से मैं लॉगआउट कर लेता हूँ। इसको लॉगआउट करने के बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना है, जो आपका फ्रेश जो अभी आईडी एंड पासवर्ड आया है उसी आईडी एंड पासवर्ड से आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जो फ्रेश आईडी एंड पासवर्ड आया है लॉगिन में क्लिक करने के बाद, देखिए इसमें पहले से लॉगिन हो जाता हूँ, लॉगिन में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ में फ्रेश आईडी एंड पासवर्ड डालना है, ठीक है। यहाँ में जो फ्रेश आईडी एंड पासवर्ड है वो मैं सिक्योरिटी रीज़न के लिए मैं ब्लर करके रखा हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद आपको यहाँ पे आईडी पे डाल देना है, ठीक है। मैं यहाँ में आईडी में डाल देता हूँ, ठीक है। आईडी में डाल देने का आपको यहाँ पे पासवर्ड भी वही डालना है, जो पासवर्ड आपका फ्रेश पासवर्ड आया है वो यहाँ पे आपको डाल लेना है। हमें से करता हूँ कॉपी, कॉपी कर लेने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, उसी जगह पे पासवर्ड के जगह पे आपको यहाँ पे पासवर्ड में डाल देना है, ठीक है। मैं इसमें पेस्ट करता हूँ, हमें लॉगिन में क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपका जो फ्रेश आईडी पासवर्ड से आपका सेंटर, देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर जो है लिखा हुआ है ऊपर में,
मैं इसको सेव कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ऊपर में लिखा है ट्रेनिंग सेंटर और आपका आईडी यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ में आपका पूरा डिटेल्स, सेंटर्स का डिटेल्स, अगर कुछ चेंजिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो जैसा है ऐसा रख दीजिए। उसके बाद यहाँ में चेंज हो करने के बाद आपको सेव में क्लिक करना, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर फिलहाल कोई चेंज नहीं करना है। अभी हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ में स्टूडेंट ऐड करने का ऑप्शन देता है या नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड इन्विजिलेटर्स फैकल्टी दिया, अगर मैं इसमें कहीं पर क्लिक करता हूँ डैशबोर्ड में या फिर कुछ भी, तो यहाँ में एक नोटिफिकेशन आ रहा है जिसमें लिखा हुआ प्लीज़ वेरीफाई योर प्रोफाइल। मुझे प्रोफाइल वेरीफाई करना है, उसके लिए मैं प्रोफाइल में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोफाइल वेरीफिकेशन के बोल रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखिए प्रोफाइल में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ईमेल में ईमेल दिया, जो ईमेल आपने डाला है कुछ ही देर पहले वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे शो करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट वेरीफाइड। तो आपको क्या करना है, वो वेरीफाई करना है, जो ईमेल है वो आपको वेरीफाई करना है। तो आप वेरीफाई कैसे करेंगे इसका भी हम प्रोसेस बताने वाले। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ सेंड एन ईमेल टू ईमेल, एक ईमेल में एक ईमेल आईडी दिया है और यहाँ पे लिखा फ्रॉम योर ईमेल आईडी वेरीफाई योर ईमेल आईडी। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, जो ईमेल आईडी आपको दिया है उस ईमेल आईडी पे आपको एक मेल डालना है। वो क्या मेल है मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक उसी ईमेल से आपको सेंड करना है, जो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए ये जो ऊपर में आपका आपका जो खुद का ईमेल आईडी शो कर रहा है उसमें आपको उसी ईमेल से आपको मेल करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले उस मेल में खोल लेते हैं। मेल में खोल लेने के बाद आपको क्या करना है, उसे कंपोज मेल एक करते हैं, कंपोज मेल में क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है जिस पीएमजी दिशा का जो मेल आपको दिया गया है सेंटर वेरिफिकेशन के लिए, उसमें क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लिखना है वेरीफाई ईमेल। आपको लिखना है वेरीफाई ईमेल, वेरीफाई ईमेल लिख के सब्जेक्ट में वेरीफाई ईमेल, फिर आपको नीचे लिखा हुआ है जो बॉडी है बॉडी में भी वेरीफाई ईमेल क्लिक करने लिखना है। बॉडी वेरीफाई ईमेल में लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंड में क्लिक करना है। जब भी आप सेंड में क्लिक करेंगे, सेंड में क्लिक करना तो सेंड हो जाएंगे और सेंड होना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, मैसेज को सेंड करने के बाद मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सेंड में क्लिक करेंगे तो मेरा जो मैसेज है मतलब मेरा जो ईमेल है मैं सेंड कर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड हो चुका है, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग पीएमजी दिशा का जो क्रोम ब्राउजर में हम फिर से चलते हैं, पीएमजी दिशा अकाउंट में मेरा जो लॉगिन किया था पहले, तो पीएमजी दिशा में हम जाएंगे, हमें क्रोम में जाएंगे। क्रोम में जाने के बाद देखिए इसमें यहाँ से आपको लॉग आउट कर लेना है, ठीक है। फिर से यहाँ से लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद फिर से उसी आईडी से मतलब अभी जो वेरीफाई किया है जिस आईडी से उसी आईडी से आपको यहाँ में फिर से लॉगिन करना है। तो फिर से आपको यहाँ पर लॉगिन हो जाना है, जो आईडी आपने अभी वेरीफाई किया है उसी आई वेरीफाई से मतलब उसी आईडी को आपको फिर से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वेरीफाई लिखा हुआ, ठीक है। मेरा जो ईमेल है वो वेरीफिकेशन हो चुका है। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी स्टूडेंट हम ईजिली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना आईडी हम रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर करने के बाद आपको वेरीफाई अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं और उसके बाद आपका ऐड अकाउंट का ऑप्शन आएगा, मतलब ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू, अगर मेरा वीडियो देखकर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए।